आज बनाते हैं ऐसा सूजी का हलवा जो बहुत ही रसीला है और एक एक सूजी का दाना खिला हुआ है। ये सिर्फ 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। साथ ही में मैं आपको ऐसी सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी जो और कोई नहीं बताएगा, लेकिन मेरी उस टिप से आपका सूजी का हलवा भी मूंग की दाल के हलवे की तरह ही टेस्टी हो जाएगा और इसकी खुशबू सुनकर पड़ोसी भी आ जाएंगे खाने। तो जरा हलवा थोड़ा ज़्यादा ही बनाइएगा। सबसे पहले एक कटोरी सूजी लें, ये मोटी वाली सूजी है। उतना ही देसी घी भी लें और उतनी ही चीनी भी लें, मतलब एक कटोरी बना लें और उसी से ही सब चीज़ों का नाप लें। पहले किसी पैन में या कढ़ाई में एक चम्मच घी डालें और हलवे में डालने वाले सारे मेवे उसमें भून लें। मैंने थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं। आप जो चाहें वो मेवा लें और क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको हलवे में ज़्यादा मेवे खाना पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना कम भी डाल सकते हैं। वैसे भी वो हलवा ही क्या जिसमें मेवे ना हो। मेवों को बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई ना करने, वरना वो जले जले से हो जाएंगे और फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बस 30 सेकंड ही फ्राई करें, हल्के से पिंक हो जाएं, इतना ही काफ़ी है। अब यही घी जो पैन में पड़ा है इसी में हम अपनी सूजी भी डालकर भूनेंगे। इस समय आँच को हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, मीडियम से भी लो ही रखेंगे। सारा घी को एक साथ नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए ताकि सूजी के एक एक दाने में घी पूरी तरह से मिल जाए और जब आप हलवा खाएं तो नरम और रसीली सूजी आपके मुंह में एकदम घुल जाए। घी का स्वाद ऐसा आए कि हलवा अगर जल्दी ख़त्म हो जाए ना तो आपको अफसोस होगा। इतना टेस्टी लगेगा आपको ये हलवा कि आप दोबारा इसे बनाए बिना रह ही नहीं पाएंगे। घी तो हम उतना ही लेंगे, बस एक कटोरी, लेकिन सारा घी एक साथ नहीं डालकर उसे स्टेजेस में डालेंगे। इसका फायदा ये है कि कम घी होते हुए भी ऐसा लगेगा कि आपका हलवा घी से एकदम लबालब भरा हुआ है। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे भूनते रहिए। देखिए सूजी कैसे फूल गई है, कैसे बबल्स आने लगे हैं। बस ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है मेरी सीक्रेट टिप के लिए। आपको एक चम्मच बेसन डालना है इसमें। यकीन मानिए आपने इतना टेस्टी सूजी का हलवा पहले कभी नहीं खाया होगा। इसका टेस्ट ना मूंग की दाल के हलवे से जरा सा भी कम नहीं है। आप मेरे कहने से एक बार ये सीक्रेट टिप ट्राई जरूर कीजिएगा। जब सूजी घी छोड़ने लगे और कलर थोड़ा चेंज होने लगे तो उसमें पानी डाल दें। पानी सूजी से 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 1 कप सूजी तो 4 कप पानी। और पानी डालते ही ऐसी सौंधी सौंधी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी कि सारे घर वाले किचन में आ जाएंगे हलवा खाने के लिए। पानी डालने के बाद सूजी को थोड़ी देर उबलने दीजिए, तब उसमें चीनी डाल दें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चीनी पहले नहीं डालनी, वरना सूजी पानी को ठीक से पिएगी नहीं और चीनी सूजी के दाने पर चढ़ जाएगी, जिससे सूजी ठीक से फूलेगी नहीं। इससे आपका हलवा नर्म और रसीला भी नहीं बनेगा, इसलिए चीनी लास्ट में डालनी चाहिए जब सूजी ठीक से फूल जाए। हलवे का कलर बढ़िया आए इसलिए कुछ केसर के धागे गर्म दूध में भिगोकर हलवे में डाल दें और इसे 2-3 मिनट के लिए लो हीट पर ढककर छोड़ दीजिएगा। अब ढक्कन हटाकर इसमें थोड़ी सी चिरौंजी भी डाल दें। मीठी चीज़ों में चिरौंजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर जो मेवे हमने फ्राई करके रखे थे उन्हें भी हलवे में डाल लें। जो बचा हुआ घी था उसे भी डालकर मिला लें। साथ ही इसमें 2-3 इलायचियां भी कूटकर डाल लें। अगर आपको इलायची पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे इलायची का टेस्ट जो है मीठी चीज़ों में बहुत ही बढ़िया आता है और उसे हमेशा चीज़ बनने के बाद ही डालना चाहिए, उससे ज़्यादा देर तक उसके अंदर खुशबू बनी रहती है। देखिए हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे ऐसे ही थोड़ा लिक्विड रहने दें क्योंकि ठंडा होने पर ये अपने आप ही थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। कोई भी त्यौहार हो या त्यौहार ना भी हो, बस आपका मीठा खाने का मन कर रहा हो तो ज़्यादा सोचिए मत, बस फटाफट से इस टेस्टी और डिलीशियस सूजी के हलवे को बना लीजिए। और फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही और भी ज़बरदस्त रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सर्दियों में हलवाइयों वाला गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और होता है। आप चाहे शादियों में जाओ तब भी गाजर का हलवा खाए बिना बात ही नहीं बनती, चाहे बच्चे हों या बड़े, सबको पसंद होता है ये। तो आज घर पर ही बना लेते हैं बिल्कुल हलवाइयों जैसा टेस्टी हलवा, सिर्फ 15 से 20 मिनट में बन जाएगा सुपर डिलीशियस हलवा। तो चलिए
शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं। गाजरें लाल रंग की ही होनी चाहिए, ऑरेंज कलर की मत लीजिएगा, ऑरेंज वाली में इतना फ्लेवर नहीं होता है और लाल रंग की गाजरें नेचुरली ही ज़्यादा स्वीट होती हैं। इनको अच्छे से धो के काट लीजिए, छील लीजिए इन्हें, और इनको सलाद की तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि इन्हें बनाने में आसानी रहे। इनको घिसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मोटे टुकड़े पकाने में प्रॉब्लम करेंगे, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में ही काट लिएगा। कुकर लीजिए और इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी डालिए और इसके अंदर गाजरें डाल के उन्हें 3-4 मिनट तक अच्छे से सौते कर लीजिए। इनको फ्राई नहीं करना है, बस सौते करते रहना है, हिलाते हिलाते हल्के हल्के से भून लीजिए। शुरू में ही भूनने से हलवाई वाला फ्लेवर आ जाता है। अब इसके अंदर 1/2 कप पानी डालिए और 4 सीटी आने तक पका लीजिए। स्टीम निकाल के देखिए गाजरें कितनी सॉफ्ट हो गई हैं, बिल्कुल मुलायम, हल्का सा छूने में ही गल रही हैं। अब इनको हम मैशर से कुकर के अंदर ही मैश कर लेंगे ताकि ये इनका टेक्सचर बिल्कुल मुलायम हो जाए। आपको घिसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ही लगेगा कि हम इसको घिसकर बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम 1 कप मावा डालेंगे। मेरे को मावा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। देखिए मैंने अभी तो इसके अंदर 1 कप ही मावा डाला है और मावा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, थोड़ा भून लिया है इसके साथ ही। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप मावा और डाल रही हूँ। आपको अगर कम पसंद है तो 1 ही कप रहने दीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, 3-4 मिनट इसे भून लीजिए। यह हलवा बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी आप सोचेंगे और अभी बना लिया। अब हम 1 कप चीनी लेंगे, मगर इसको एक साथ नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। एक साथ डालेंगे तो बिल्कुल इतना ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा कि उसे भूनने में बहुत प्रॉब्लम होगी। 1/2 करके ही डालिए। एंड में फिनिश करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून घी और डाला है जिससे इसके अंदर हलवाई जैसी शाइन आ जाए और चमक आ जाए और बिल्कुल रिच बने। 3-4 कुटी हुई इलायची डाली हैं और 8-10 काजू के टुकड़े डाले हैं। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते हैं, कोई और मेवा डालना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है ये, तो आप जो भी मेवा पसंद करते हैं वही डालिए। हमें तो काजू ही पसंद है इसलिए हम काजू डालते हैं। देखिए कितनी जल्दी बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको 1 लाइक तो ज़रूर ही बनता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।